हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी ऑटो मोबाइल पर। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक्स 2023 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है काफ़ी सारी बेहतरीन बाइक्स जो है हमारे इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने वाली है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यमहा की MT-03 और यमहा की R3 के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो बाइक है दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इन बाइक्स का जो है ऑफिशियली बुकिंग भी ओपन हो चुका है, तो आप लोग इन दोनों बाइक्स को जो है बुक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों बाइक्स की बुकिंग ओपन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये जो बाइक्स है आने वाले 1 से 2 महीने में ही हमारे इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने वाली है। अब इन दोनों बाइक में दोस्तों आप लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो इस बाइक में दोस्तों आप लोग को जो है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गाड़ी पे आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी पे दोस्तों आप लोग को साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS और फ्रंट पे जो है आप लोग को गाड़ी पे USD का सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो है आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और आप लोग को स्लीपर क्लच वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी में दोस्तों आप लोग को ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने में यमहा कंपनी अपनी MT-03 और R3 को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यमहा कंपनी अपनी MT-125 को भी लॉन्च करने वाली है, जो कि इस साल के एंड तक जो है यमहा कंपनी अपनी MT-125 को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जाए यहाँ पर हीरो कंपनी की, तो हीरो कंपनी दोस्तों अपनी करिश्मा को लॉन्च करने वाली है, जो कि दोस्तों हीरो कंपनी की सबसे प्रीमियम स्पोर्ट बाइक होने वाली है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को 210 cc का जो है पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है गाड़ी का लुक भी काफी ज्यादा स्पोर्टी होने वाला। और इसके अलावा गाड़ी में दोस्तों आप लोग को ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन, नेविगेशन वो सभी चीजें देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी का जो लुक है दोस्तों वो भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ में गाड़ी में जो है आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक के साथ जो है डुअल चैनल ABS भी आने वाला है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हीरो कंपनी की। अब हम लोग बढ़ते हैं TVS कंपनी की ओर। तो TVS कंपनी दोस्तों अपने अपाचे RTR 164V और अपाचे RTR 204V इन दोनों बाइक्स का जो है BS6 फेज 2 मॉडल को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिस पर कि दोस्तों यहाँ पर जो है अपाची 200 पे वैसे तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन मेनली जो चेंजेस है दोस्तों TVS कंपनी अपने अपाची RTR 164V में करने वाली है, जो कि गाड़ी में जो है अब आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी पर जो है आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प वगैरह भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को और भी ज़्यादा वाइड टायर्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर TVS कंपनी अपने अपाची RTR 160 और अपाचे RTR 204V इन दोनों बाइक्स का जो है एक अपडेटेड मॉडल को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बजाज कंपनी अपने RS 200 में भी अपडेट्स करके लॉन्च करने वाली है उसको फिर से, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हाल ही में बजाज कंपनी ने अपनी NS सीरीज में जो है काफ़ी बेहतरीन अपडेट्स किए थे। तो ठीक वैसा ही अपडेट दोस्तों यहाँ पर बजाज कंपनी अपने RS 200 में करने वाली है। जैसा कि आप लोग को जो है NS में अपडेट देखने को मिला था, ठीक वैसा ही अपडेट जो है आप लोग को RS में भी देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट पर जो है आप लोग को USD का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ जो है डुअल चैनल ABS वगैरह वो तो आप लोग को RS में पहले से ही मिलता था, बट यहाँ पर जो है मीटर को अपडेट कर दिया जाएगा, जिस पर कि दोस्तों अब आप लोग को जो है रेंज वगैरह देखने को मिलेगा, माइलेज वगैरह देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ गाड़ी पे अब जो है आप लोग को गियर पोजिशन इंडिकेटर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है RS में दोस्तों आप लोग को जो है नए नए कलर और नए नए ग्राफिक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल इतने बाइक्स आने वाले हैं। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों हीरो कंपनी की एक और बाइक आने वाली है, जो कि हीरो हंक के नाम से होगी, और वो भी दोस्तों काफी बार जो है टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। तो उस बाइक को भी हीरो कंपनी बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है। तो अभी दोस्तों हाल फिलहाल में जो है कुछ इतने ही बाइक्स हमारे इंडियन मार्केट पे आने वाली है। आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग इनमें से कौन सी बाइक के लिए ज्यादा वेट कर रहे हैं, नीचे कॉमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को भी फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।